हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आपसे एक वेलकम है हमारे बिल्कुल नई वीडियो में। तो गाइस, इतने दिन बाद मैं आज वीडियो डालने वाला हूँ, जो कि मुझे करीब 4 महीने हो चुके हैं नई वीडियो डाले, क्योंकि गाइस अब ना तो टाइम मिल रहा है एंड ना तो कोई कंटेंट मिल रहा है वीडियो डालने के लिए। लेकिन आज मेरे पास है E88 की तरफ से ये वाला ड्रोन, जो कि आप लोग को मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एंड इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। गाइस, आज मैं इस ड्रोन का आप लोग को अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एंड रिव्यू देने वाला हूं, जो कि E88 प्रो ड्रोन है एंड ये अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाता है आराम से। और गाइस, मैंने तो इसे पहले से अनबॉक्स करके कई बार उड़ा भी चुका है, लेकिन आप लोग के लिए वापस से मैंने इसे पैक कर दिया है एंड देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका बॉक्स था, ये जिस पर E88 प्रो लिखा है, 2.4G HDD यहाँ पर लिखा है एंड HD लेंस वगैरह लिखा हुआ है। एंड इसके अंदर हमको देखने को मिल जाता है एक छोटा सा प्यारा सा सूटकेस टाइप का, जो कि ब्लैक कलर में मिल है। तो गाइस, ये है इसका सूटकेस, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा है एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है मतलब। एंड यहाँ पे है इसका चैन, और चलिए सबसे खोलते हैं। तो गाइस, इसे मैंने खोल दिया है एंड ये देखिए यार, इसके अंदर यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले तो ये ड्रोन देखने को मिल जाता है, एक अच्छा सा छोटा सा और प्यारा सा। और यहाँ पर इसकी 2 बैटरी भी मिल गई है एंड ये है इसका रिमोट, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और इधर ऊपर साइड में आपको यहाँ पर इस पैकेट में इसके कुछ प्रोपेलर्स मिल जाते हैं, 4 प्रोपेलर्स एंड 3 एक्स्ट्रा विंग्स मिल जाती हैं, ताकि अगर आपका टूट जाता है तो वापस लगा सकते हो। और यहाँ पे एक चार्जिंग केबल मिल जाती है माइक्रो USB वाली। और यहाँ पे इसका ये ऐप डाउनलोड करने का, जो कैमरा वाला ऐप है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो स्कैन करके। और ये इसके मैनुअल लगा रहे थे रखे हुए, जो कि हमको ज़रूरत है नहीं इसकी, इसे वापस से रख देते हैं यहाँ पर। तो गाइस, ये रहा हमारा ड्रोन, जो कि देखने में बहुत ही छोटा एंड बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे सामने साइड इसका एक कैमरा दिया हुआ है एंड आगे 2 लाइट भी हुई है एंड ये पूरा फोल्डेबल ड्रोन है, इसलिए अभी तक ये फोल्ड है फिलहाल। और नीचे भी इसके यहाँ पे देख लीजिए एक लेंस दिया हुआ, मतलब कैमरा यहाँ पर डबल कैमरा आपको मिल जाता है, जो कि बड़े बड़े ड्रोन में भी नहीं मिलता है जल्दी से। एंड इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो इसके साइज़ आपको देख सकते हैं, पहले तो जब छोटा है तो मेरे हाथ में कितना आराम से आ जा रहा है। और अब इसको खोलते हैं, देखते हैं। तो गाइस, खुलने के बाद देखिए ये कितना बड़ा लग रहा है, यहाँ पे देख लीजिए आप मेरे हाथ में कितना बड़ा लग रहा है देखने में। एंड देखने में इसका लुक बहुत ही बढ़िया है, जो कि DJI मतलब DJI का कॉपी है, DJI का जो मिनी ड्रोन आता है उसी का एकदम सेम टू सेम कॉपी यहाँ पे ये लोग किए हुए हैं। और इस ड्रोन में यहाँ पर पीछे के साइड जो है यहाँ पर बैटरी लगती है, और ये यहाँ पर इसका पावर ऑफ एंड पावर ऑन वाला बटन है जो दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर पहले हम लोग इसमें बैटरी लगा लेते हैं, जो कि मैंने चार्ज करके रखा हुआ है दोनों बैटरी। एक बैटरी जो यहाँ पर होती है वो 1800 mAh की होती है, ये 1800 mAh एंड 3.7 volt होती है, जो कि हमें फ्लाई टाइम लगभग 10 मिनट का दे देती है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको पहले बैटरी इसके पीछे ऐसे यहाँ पे ऐसे लगाते हैं इस तरह से, तो गाइस ये इसकी बैटरी लग चुकी है यहाँ पे। एंड ड्रोन का अगर स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ बटन दबाएंगे एंड ये देखिए गाइस, यहाँ पर लाइट ब्लिंक होने लगी ब्लू कलर की एंड सामने भी ये वाली लाइट जो है जलने लगी है। तो मतलब ये जो हमारा ड्रोन है ये उड़ने के लिए रेडी हो चुका है। अब बारी है रिमोट के, पहले यहाँ पर इसको नीचे रख देते हैं, इस तरह से रख दिए। एंड आप गाइस, इसका ये जो रिमोट आप लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे, इसके फीचर्स आपको बताऊँ तो पहले तो ये जो है हमारी अप एंड डाउन वाली एंड ड्रोन को उसी एक्सेस पे मोड़ने के लिए लेफ्ट राइट वाली ये है जॉयस्टिक। और ये जो बीच में बटन ये पावर ऑफ वाली है, और ये 1 की लैंडिंग वाली, और ये 1 की टेक ऑफ वाली बटन है। और ये सारी ट्यूनिंग्स बटन होती हैं, जो इधर ये है ये लेफ्ट ट्यूनिंग बटन है एंड इधर ये जो है ये डाउन वाली ट्यूनिंग बटन है, इसके ऊपर जो है ये अप वाले ट्यूनिंग बटन है एंड इधर ये वाली राइट वाली है। और ये जो है इसके जो स्टिक है इसको आगे पीछे एंड लेफ्ट एंड राइट ले जाने की। और यहाँ पे भी हमें बटन्स दिए हुए हैं, ये जो 1, 2, 3 वाली बटन है ये वाली, ये इसकी स्पीड मोड है, जो कि पहला स्पीड, दूसरा स्पीड एंड थर्ड स्पीड। और इसके बगल में ये जो बटन है ये मुझे भी नहीं पता है, मतलब थोड़ी अजीब सी दिख रही है, इससे कोई काम होता नहीं है शायद से। और यहाँ पे ये जो 2 बटन है, एक तो इसका वो है 360 डिग्री, ये वाला फ्लिप मारता है मतलब स्टंट दिखाता है। एंड ये वाली जो बटन है इसकी, ये है 6-axis जायरो वाली बटन, मतलब आपका ये जो ड्रोन है वो किसी भी एंगल में रहेगा, लेकिन आप मतलब जॉयस्टिक से कंट्रोल करोगे तो वो बहुत सही कंट्रोल होता है उससे। तो ये है हमारे रिमोट, जो कि इसका फंक्शन है। और यहाँ पर ये इसके एंटीना जो है ये खुल जाते हैं ऐसे,
दिखाता हूँ आप लोग को। तो गाइस इसके एंटीना कुछ इस तरह खुल जाते हैं, जो कि मतलब बस देखने के लिए, लेकिन एंटीना किसी काम के हैं नहीं यहाँ पे। और इसका ये पावर ऑफ एंड ऑन वाला बटन, यहाँ पर लाइट जलती है। एंड ये ड्रोन की जो लाइट है अब वो ब्लिंक होना बंद हो गई है, मतलब कंटिन्यू चल रही है। इसका मतलब ये हमारा जो है ड्रोन कनेक्ट हो चुका है रिमोट से। एंड गाइस इतना दिन से मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मतलब टाइम तो मिलता नहीं है, एंड ऊपर से कोई कंटेंट भी नहीं मिल रहा था। और ड्रोन मैंने ये ले लिया है तो इसलिए सोचा कि ड्रोन की अनबॉक्सिंग डाल देता हूँ। और ये देखिए, जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे अप करेंगे वैसे ही ड्रोन जो है वो उड़ने के लिए रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे ये जो वन की टेक ऑफ बटन है, इसे दबाते ही ड्रोन जो है उड़ने लगेगा। लेकिन गाइस ध्यान दीजिएगा, उड़ाते समय यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही तेज़ हवा चल रही है अभी छत पे, बहुत ही तेज़ चल रही है। अगर मैं इसे उड़ाने की कोशिश भी करूँगा तो ये ड्रोन देखिए हवा के साथ साथ भागना शुरू कर देगा। देख सकते हैं आप लोग, के दिखाता हूँ उड़ा के। ये देखिए गाइस, तो ये देखिए गाइस, ये होता है यहाँ पे हवा में उड़ाने का नतीजा। एंड मैं अभी उड़ा भी नहीं पा रहा हूँ अच्छे से क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी चल रही है ऑन। इसलिए गाइस इसे हम लोग चलते हैं पहले नीचे आराम से, वहाँ ग्राउंड में चलते हैं कहीं पे, एंड उसके बाद इसे उड़ाते हैं और फिर देखते हैं इसकी फ्लाइट टाइम कैसी है, बैटरी लाइफ कैसी है, एंड उड़ता कैसी है, एंड इसकी कैमरा क्वालिटी भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं नीचे, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार जरूर से कर देना, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम भी वेस्ट होता है, एंड मतलब समझ सकते हो आप लोग। सब्सक्राइब करते हैं यार, कर दिया कर सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं नीचे एंड इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड में ड्रोन को उड़ाने के लिए, यहाँ पे बस पहुँचने ही वाले हैं। और ये रहा हमारा ड्रोन, गाइस ये देख लीजिए हम लोग का ड्रोन है, एंड अब इसे खोलते हैं उसके बाद उड़ाते हैं फिर। खुल तो चुका है। और यहाँ पे आसपास हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ही तेज, इसलिए आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग उड़ाइए हवा में इसको। ड्रोन को रखो, ये रहा रिमोट, इसे पूरा ड्रोन ऑन हो चुका है। यहाँ पे हवा तो चली रही है बहुत तेज, और आप लोग अगर हवा में उड़ाएं भी तो इसका जो प्रोपेलर गार्ड है उसे लगा के उड़ाइएगा। हम लोग ट्रेंड है, इसका एंटीना ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस ये देख लीजिए, अब यहाँ पे जो है वन की टेक ऑफ बटन, इसे दबाएंगे तो ड्रोन हमारा जो है उड़ने लगेगा। वो ये देखिए, और यहाँ पे स्पीड कंट्रोल मोड है तो पहले स्पीड का भी है, और यहाँ से करेंगे दूसरे स्पीड पे आ जाएगा, फिर करेंगे फिर तीसरे स्पीड पे आ जाएगा। और इसे थोड़ा ऊपर ले चलते हैं अभी गाइस, इसका हम लोग ये गाइस आगे ले जा रहे हैं हम लोग ड्रोन को। और ये बहुत ही अच्छे से उड़ रहा है, स्टेबल भी इसकी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। अगर हम इसे मोड़ेंगे उसके बाद पानी में नहीं ले जा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं भैया उड़ा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे कुछ देखे सब लोग जुट चुके हैं देखने के लिए, एक दो लोग हैं। और वहाँ पे देखिए हमारा ड्रोन 360 मारने वाला है, एक सेकंड। अब यहाँ पर हमारा ड्रोन जिस अब यहाँ पे जो है 360 डिग्री हम लोग फ्लिप मारने वाले रिमोट में, एक सेकंड देखिए। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बटन दिए 360 डिग्री, इसे हम लोग दबाएंगे उसके बाद यहाँ पे ड्रोन थोड़ा हाइट पर जाता है। एंड इसे ये देखिए, ये हो गया 360, एंड वापस से मारते हैं एक बार। अब रिमोट ये दबाए, एंड उसके बाद ये देखिए, और वहाँ देखिए ड्रोन ये है जो फ्लिप मार रहा है, बंद करते हैं। हमारे ड्रोन के साथ रेस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। जाइए भैया, यहाँ पर हमारा ड्रोन है, ये जा रहे हैं उसके साथ साथ, उसको पकड़ने के लिए सोच रहे हैं। देखिए ये ड्रोन से रेस कर रहे हैं, और वो वहाँ पर हार चुके हैं, देख सकते हैं हमारा ड्रोन जीत चुका है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा ड्रोन उधर से गया, इधर से कुछ आ चुका है। जब मैंने इसे दे दिया उड़ाने के लिए जिसको आता जाता है नहीं, एंड वहाँ पर पानी, अगर ड्रोन गिरा तो समझो गया वहीं पर। देखिए पानी भी है और पीछे पानी भरा हुआ, तो ऐसी जगह मत उड़ाइएगा आप लोग जहाँ पे पानी नहीं भरा हो। देख लीजिए सर, कंट्रोल सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बटन सारी जो है परफेक्टली वर्क करती हैं। इस ड्रोन की गाइस जो रेंज है वो लगभग 100 मीटर होती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा रह जाएंगे तो डिस्कनेक्ट होने लगता है, फिर दिक्कत हो सकती है। फिर सिटी मारो एक बार, पानी है वहाँ पे, उल्टा ले जा रहे हो। देखिए गाइस 360 डिग्री मार रहा है फ्लिप, वहाँ पे पानी मत ले जाओ।
तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो गाइस ये ड्रोन जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहता है हवा में, लेकिन अगर हवा हल्का फुल्का भी चलती है तो मतलब कंट्रोल में नहीं रहता है, ज़्यादा इधर उधर भागने लगता है अगर हवा चलती है। तो इसमें आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर हवा चल रही है आप लोग के छत पर, कहीं भी हवा चल रही है जहाँ पर लोग इसे उड़ाने जा रहे हो तो वहाँ पर आप लोग इसे मत उड़ाओ, या फिर अगर उड़ा भी रहे हो तो आप लोग इसमें प्रोपेलर गार्ड लगा के ही उड़ाना, क्योंकि ऐसे उड़ाओगे तो आपके जो विंग्स हैं वो डैमेज भी हो सकती हैं। एंड गाइस इसकी कैमरा क्वालिटी मैंने आप लोगों को दिखाया भी, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं लगी, लेकिन एवरेज कैमरा है, प्राइस के हिसाब से कैमरा क्वालिटी भी ठीक ही है और इसका फ्लाई टाइम भी काफ़ी ठीक है, मतलब 7-8 मिनट मिल जाता है, भले ही 10-12 मिनट लिखा हुआ है लेकिन जो है 7-8 मिनट का इसका टाइम जो है मिल जाता है हमें उड़ाने के लिए एक बैटरी से। एंड अगर दोनों बैटरी हमारे फुल चार्ज आ जाएगी तो लगभग 15-15 मिनट हम लोग इसे आराम से उड़ा लेंगे। और गाइज अगर इस वीडियो पे जो है हमारे 2000 व्यूज आ जाते हैं तो मैं इसका जो है नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा लाऊंगा, 2000 व्यूज जैसे ही क्रॉस हो जाएंगे, और उस वीडियो में हम लोग इस पर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे कि हम लोग इसमें मतलब रस्सी उस्सी बांध के कुछ ना कुछ इसमें लटका के उड़ाएंगे आसमान में एंड फिर देखेंगे कैसा वर्क करता है, क्या ये स्टेबल रहता है या फिर उसे उठा पाता है उस सामान को या फिर नहीं। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम लोग सोच रहे हैं इस ड्रोन से करने के लिए, और वो तभी होगा जब इस वीडियो पर 2000 व्यूज आएंगे। तो जल्दी से आप लोग 2000 व्यूज कंप्लीट कर दीजिए एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।